Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Start. उक्त मामले में मकान मालिक द्वारा किराएदार के विरुद्ध वादगत परिसर के संबंध में यह अभिकथित करते हुए वाद फाइल किया गया था कि किराएदार ने 3 वर्ष की अवधि से अधिक समय तक किराए के संदाय में व्यतिक्रम कारित किया है। उस किराएदार पर मांग और निष्कासन का नोटिस तामिल किया गया था, जिसका अनुपालन किराएदार द्वारा नहीं किया गया और वह 1952 के दिल्ली और अजमेर किराया नियंत्रण अधिनियम की धारा 13 की उपधारा 1 के खंड क के निबंधनों के अनुसार निष्कासन योग्य था। वाद को उच्च न्यायालय द्वारा यह अभी निर्धारित करते हुए डिक्री कर दिया गया कि मकान मालिक किराएदार का संबंध साबित हो गया है और किराएदार के विरुद्ध निष्कासन का दायित्व किराए के संदाय में व्यतिक्रम के आधार पर उद्भूत हो गया है, जैसा कि किराएदार द्वारा अभिकथित किया गया है। डिक्री के निष्पादन के समय यह निवेदन करते हुए आक्षेप फाइल किया गया कि वाद के लंबन के दौरान राज्यों के पुनर्गठन के प्रभाव के कारण अजमेर तारीख 1 नवंबर 1956 से राजस्थान का भाग बन गया और वादगत परिसर 1950 के राजस्थान परिसर अधिनियम के उपबंधों द्वारा शासित होगा और राजस्थान अधिनियम की धारा 13 उपधारा 1 के अधीन किराएदार को एक अतिरिक्त विशेषाधिकार प्रदान किया गया कि किराए के संदाय में व्यतिक्रम के आधार पर बेदखली की इप्सा करने वाले वाद में किराएदार वाद के लंबन के दौरान बकाया किराए की रकम ब्याज और लागत सहित जमा कर सकता है, जैसा कि न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया है, और उस स्थिति में निष्कासन की डिक्री पारित नहीं की जा सकती। उक्त संदर्भ में यह अभी निर्धारित किया गया कि किसी ऐसे न्यायालय द्वारा पारित डिक्री जिसको अधिकारिता प्राप्त नहीं थी और परिणाम स्वरूप उसके द्वारा पारित डिक्री शून्य है और किसी ऐसे न्यायालय द्वारा पारित डिक्री जो मात्र इस कारणवश अवैध है कि वह विधि में अभिकथित प्रक्रिया के अनुसार पारित नहीं की गई के मध्य अंतर होता है। उक्त संदर्भ में यह अभी निर्धारित किया गया कि अवैधता या प्रक्रिया की असंगतता से ग्रसित डिक्री निष्पादन न्यायालय द्वारा निष्पादनीय नहीं होती और ऐसी डिक्री द्वारा व्यथित व्यक्ति को यह अनुतोष प्राप्त होता है कि वह उसको सम्यक रूप से संस्थित विधिक कार्यवाहियों में या किसी उच्चतर न्यायालय द्वारा अपास्त कराए, जिसमें विफल रहने पर उसको डिक्री में दिए गए आदेश का पालन करना होगा। यह अभी निर्धारित किया गया कि किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा पारित डिक्री को या उसकी क्षमता को किसी समानांतर आक्रमण द्वारा या
किसी कार्यवाही में निरावृत नहीं किया जा सकता। उक्त निर्णय का विनिश्चयानुपात वर्तमान मामले जिसमें सक्षम न्यायालय अर्थात हैदराबाद के कुटुंब न्यायालय की डिक्री अपास्त किए जाने की इच्छा की गई है में लागू नहीं होता, जिससे कि वैवाहिक हैसियत का विनिर्धारण किया जा सके। इसके अतिरिक्त हैदराबाद के कुटुंब न्यायालय द्वारा पारित डिक्री हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 के कानूनी उपबंधों के अतिक्रमण में पारित की गई। चूंकि याचिका के फाइल किए जाने और डिक्री पारित किए जाने के मध्य 6 माह की प्रतीक्षा अवधि का पालन नहीं किया गया है। स्टॉप। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन।